कॉन्ग्रेचुलेशंस मोना शेखावत कि आपने इतना शानदार सफलता प्राप्त की स्कूल लेक्चर बायोलॉजी में और ऑल राजस्थान रैंक आपका 35वां है। तो ये जो सफलता है ये आपकी पूरी की पूरी जो जर्नी है, पूरी की पूरी यात्रा आपकी 11वीं 12वीं की बाद से लेकर आपने जो बीएससी एमएससी किया, फिर नेट की भी तैयारी की आपने और फिर आप सेट क्वालिफाई करके आपने कहा कि नहीं जी भाई अपन तो अब स्कूल लेक्चर में लगते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा जो जर्नी है आपकी, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगी मैं आपको, क्योंकि मैंने जो एमएससी के साथ ही एमएससी फाइनल के साथ ही मैंने आधार इंस्टीट्यूट से NET-JRF की कोचिंग की थी और वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक तरीके से बहुत मतलब जो सक्सेस मुझे मिल रही है ना, मैंने उसी दौरान वो 6 महीने जो मेरे थे वो सबसे बेस्ट थे क्योंकि मैंने बायो को जिया उस दौरान और उसी की बदौलत मुझे सेट क्वालिफाइड मेरा हुआ और सेट क्वालिफाइड होने के बाद में मुझे एक दिशा मिली, मैं कॉलेज में गई और धीरे धीरे जब हम काम करते हैं ना तो अपन को अपने आप एक्सपीरियंस हो जाता है कि हमें अब क्या करना है। तो पहले जो एक चाइल्डहुड दिमाग बचपन वाला होता है ना कि नहीं ये करना है वो करना है, तो फिर जब फील्ड में जाते हैं तब पता चलता है व्हाट इज प्राइवेट व्हाट इज गवर्नमेंट। तब से तो मैंने 10th क्लास हिंदी मीडियम से की है, शुभ शक्ति विद्यापीठ आसपास में ही हमारे। उसके बाद में 12th क्लास मैंने आदर्श विद्या मंदिर से की, बीएससी मैंने महारानी कॉलेज से की है और फिर एमएससी मैंने वैदिक कन्या कॉलेज राजा पार्क से की। एमएससी फाइनल में मैंने नेट आधार की कोचिंग की थी 2013-14 में और मेरा नेट क्वालिफाइड तो नहीं हो पाया लेकिन मेरा सेट क्वालिफाइड हो गया था उस दौरान। तो फिर मैंने उसी मतलब 2015 वाले में मेरा क्लियर हुआ था लास्ट जो इससे लास्ट जो लगा था और तब से मैं कॉलेज में टीचिंग करवा रही थी और कॉलेज में मैंने 4 से 5 साल तक टीचिंग करवाई और फिर कोरोना के बाद में खुद को एक एहसास हुआ नहीं कहीं ना कहीं मैं पीछे जा रही हूँ, मुझे थोड़ा कुछ मैं अपनी एबिलिटी इतनी नहीं शो कर पा रही हूँ, मैं क्लास लेती हूँ और मैं मतलब आराम पसंद करने लग गई हूँ कुछ मुझे ऐसा लगा मेरा सब्जेक्ट थोड़ा वीक हो रहा है मुझे लगा, तो मैंने फिर मेरा फील्ड चेंज किया, मैंने कुछ फाउंडेशन क्लास लेना स्टार्ट किया सर और वो मेरे लिए सबसे हेल्पफुल रहा क्योंकि पहले से ही यार 11-12 पढ़ाओगे तो सुख पाओगे क्योंकि आपको जब एग्जाम देना है तो ये असल में 11-12 ही है क्योंकि 11-12 का जो फाउंडेशन मैंने पढ़ाया ना NCERT जो मैंने पढ़ी पूरा डेडिकेशन से वो मेरे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट था क्योंकि कॉलेज इस स्कूल लेक्चरर में भी मेरा सब्जेक्ट स्ट्रांग था। सबसे मेन ये था कि मेरा सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग था, चाहे वो जूलॉजी हो चाहे वो बॉटनी। एक्चुअली पढ़ाने के लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, मतलब जब आप फाउंडेशन लेवल पे पढ़ा रहे होते हो, जब हम खुद पढ़ते हैं ना ज्यादा की लेवल नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज तो बच्चे जब हम खुद पढ़ते हैं ना सर तो क्या है ना अपन कुछ आलस कर जाते हैं कि नहीं कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, टॉपिक नहीं भी आ रहा तो उसके पीछे नहीं पढ़ते। लेकिन मैंने वहां पढ़ाया और बच्चे भी थोड़े अच्छे लेवल के थे तो उनके जो क्वेश्चन थे उनमें मैं खोती चली गई और फिर इसी का वो है कि मुझे अब एनसीईआरटी वगैरह बहुत अच्छे से क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत शानदार है। मोना अपन मैं आपसे इतने सारे लंबे समय से संपर्क में हूँ, पिछले भी काफी टाइम पर अपन लोग बात भी करते थे। ये जो पूरा का पूरा स्कूल लेक्चर का जो खेला ही बोलता हूँ मैं इसको, इसमें सब्जेक्ट और जीके इसमें आपने मैनेज कैसे किया? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्योंकि जीके आपके लिए टाइम निकालना बहुत भारी था। मैंने एक बार पहले आपसे बात की थी, मैंने कहा मोना ये तो मामला ठीक करना ही पड़ेगा, जीके को आपने कैसे मैनेज किया क्योंकि जीके का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। सर मैं बताती हूँ, मैंने जब ये वैकेंसी आई उससे पहले सर रीट चल रहा था तो कहीं ना कहीं वो रीट तो इतना फेमस हो चुका है ना कि सब उसी के पीछे भागते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड का भी ये था कि इसमें पोस्ट ज्यादा होती है, पर मुझे रीट नहीं लगना था अगर मैं आपको एक्चुअली बताऊं, क्योंकि मुझे पता है मेरी कैपेबिलिटी ज्यादा है, मैं कर सकती हूँ। जैसे ही जो लास्ट वैकेंसी थी उस दौरान मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं इतना अच्छा नहीं कर पाई, मेरा वो टाइम था तो मैं उसको पढ़ ही नहीं पाई। बाकी मेरी इच्छा बहुत थी कि मुझे बहुत डेडिकेशन से तैयारी करनी थी लास्ट टाइम, पर मैं नहीं कर पाई। फिर जब इस टाइम जब अप्रैल में वैकेंसी आई उसी दिन मैंने ठान लिया चाहिए मुझे 2 घंटे ही पढ़ना पड़े पर मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करूंगी और मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की और लाइब्रेरी में पहले मैंने रोज मतलब मैं जॉब भी कर रही थी, सुबह मैं 5 to 3 मेरी जॉब है क्योंकि 5 बजे उठने के बाद मैं 3 बजे फ्री होती हूँ। उसके बाद मैंने घर पे आके 1-1.5 घंटा रेस्ट करती मैं और फिर मैं वापस लाइब्रेरी चली जाती 5-5:30 बजे, जिसकी मैं 8-8:30 बजे लाइब्रेरी से आती और फिर लेडीज हैं तो रहता ही है काम का प्रेशर रहता है। और ये सबसे बढ़िया बात है कि आपने फैमिली के साथ सब कुछ मैनेज भी किया है इसमें, फैमिली जॉब आपको सभी कुछ आपने मैनेज किया, तो ये एक जबरदस्त प्रेरणादायी चीज है, लोगों के लिए सीखना चाहिए कि ऐसा नहीं होता कि आप बहाने लगा दो मेरे को तो फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये सारे नहीं सर, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे फादर का, मेरे ब्रदर का और स्पेशली मेरे हस्बैंड का तो बहुत सपोर्ट था कि मोना आप कर सकती हो, आप करो, मैं आपके साथ हूँ हमेशा। और मैंने सबसे बढ़िया बात है आपकी रैंक बहुत अच्छी है, तो आपको जयपुर डिस्ट्रिक्ट भी आराम से मिल ही जाएगा। हाँ सर, होप सो कि मिल ही जाए सर। तो फिर लेडीज तो प्लस रैंक अच्छी, दो अच्छे फैक्टर्स आपके साथ हैं। मोना, जो अपन लोग काम करते हैं जो नोट्स बनाने का सबसे जबरदस्त, क्योंकि लोग क्या करते हैं जैसे हमारे पास बहुत होते हैं सर वो जो डिटेल नोट्स हो ना वो बनवाओ, मैंने कहा यार तुम डिटेल नोट्स बनवाओगे, तो नोट्स बनाने के बारे में आपका क्या मामला है? नोट्स का तो सबसे बेस्ट है, आप उसका शॉर्ट नोट बनाओ। जैसे आपने एलगी टॉपिक लिया तो एलगी के एक तो आप लाइन टू लाइन लिखो, एक आप एक पेज के ऊपर ही एलगी को पूरा रख दो, जैसे तो कि आप लोग बोर्ड पे बनाते हैं। आप बोर्ड पे बनाते हैं, वो बोर्ड पे जो होता है ना सर माइंड मैप जो हम बोलते हैं, वो सबसे बेस्ट होता है। और मेरा सबसे बेस्ट कि किसी एक चीज को अलग अलग बुक से पढ़ने की बजाय आप एक मैटर अपना सेलेक्ट कर लो और उसको 10 से 15 बार आप सेलेक्ट करो। मैंने आपके नोट्स पता नहीं कितनी बार पढ़े कि उसके पन्ने ही अब फटने वाले जैसे हो गए सर। अब सब भी कहते हैं अब इनको दूसरा कर ले, क्योंकि वो फटने जैसे हो गए हैं। अब वो तब के नोट्स मेरे पास अब के हैं 2013 से 23, 13 से 23 हो गई सर। क्लासरूम के जो नोट्स थे वो मेरे पास ऐसे हैं, अभी भी जब भी मुझे कोई डाउट होता है तो मैं उनको देखती हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मोना, आपका फ्यूचर प्लान, अगला वाला इंटरव्यू किसके लिए देना है आपको, ये बता दो। सर मुझे कॉलेज लेक्चरर के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ईगरली आपके लिए वेट कर रहा हूँ कि अगला वाला जो इंटरव्यू हो वो अपन लोग कॉलेज लेक्चर के लिए करें। तो मोना, एक और बहुत अच्छी चीज, मैं आपको आप लोगों से सवाल किया करता था क्लास में बैठ के, लगातार क्वेश्चन पूछता था, उसको हमने डिजिटलाइज करके उसको चिड़ियाउट बना दिया। मैंने आपको एक बार वीडियो भी शेयर किया होगा चिड़ियाउट वाले सेशन का। इस तरह की जो टेक्निक्स होती है वो कितना ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है स्कूल लेक्चर बायोलॉजी में? सर मैं खुद भी मतलब अब एज ए टीचर मैं वही स्ट्रेटेजी अपनाती हूँ। मैं एक क्वेश्चन को इतनी बार पूछ लेती हूँ, बार बार क्वेश्चन की बच्चों को याद हो जाता है, जैसे आप करते थे। तो अब वो मैं भी अप्लाई करती हूँ सर, तो मेरे स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छा लगता है। के थ्रू हम करते हैं चिड़ियाउट सेशंस के नाम से। उससे क्या है सर, अपने जो कुछ चीजें अपन भूल जाते हैं ना, मैं तो सबसे बेस्ट मानती हूँ आप रिवीजन करो। जितना रिवीजन करोगे आपके माइंड में फिट हो जाएगा, फिर आप कभी नहीं भूलोगे उस चीज को। तो वो सबसे बेस्ट है, उसमें एड होना चाहिए और अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए सब। एक और चीज, मोना आप जूलॉजी बैकग्राउंड से हो, तो ये बॉटनी वाली चीजों में आपको दिक्कत नहीं हुई थी स्कूल लेक्चर प्रिपरेशन करने में? सर मैं फाउंडेशन ले रही हूँ तो वहां मैंने बॉटनी के टॉपिक्स ज्यादा लिए। ओके ओके ओके, ये तो गजब ही मामला था। बेसिकली आपने दोनों हाथों में रखे, पैसे के पैसे लिए और तैयारी की तैयारी कर ली। यस सर, तो मैं क्या तो मैंने वहाँ बॉटनी बहुत मतलब इस तरीके से, क्योंकि मुझे पता था बॉटनी मुझे पसंद ही नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊंगी। मुझे बहुत मतलब मैंने 11th-12th में ही छोड़ दी थी। फिर मैं ऑनर्स की स्टूडेंट थी सर, तो मैंने साथ में BSc एडिशनल भी किया। Okay. क्योंकि इस बार था कि आपके BSc लेवल पे जूलॉजी और बॉटनी दोनों होना चाहिए, तो मैंने पिछले साल ही अप्लाई कर दिया था, क्योंकि वैकेंसी आने से पहले अप्लाई कर दिया था कि मुझे करना था। तो मैंने एक डिग्री और करी साथ में BSc एडिशनल, तो उसके साथ मुझे बॉटनी का भी BSc का वो मिल गया। सारे पेपर दिए। बात है, आपने बिल्कुल प्लानिंग करके काम किया, शानदार वाला। यस सर, वरना लोग तो हिम्मत हार के बैठ जाते हैं कि हमारा तो जूलॉजी ऑनर्स से जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते या बॉटनी ऑनर्स। नहीं सर, और मैं केवी में भी मैंने इंटरव्यू दिया है, KVS में भी। KVS में भी मैं सेलेक्ट हुई हूँ। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई, छा गए फिर तो आप तो। केवी का भी मोना, थैंक यू वेरी मच, बहुत सारा आपका धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। और आपने उन सभी की तरफ से धन्यवाद जो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपसे प्रेरणा लेनी पड़ेगी, बहुत सारी प्रेरणा लेनी पड़ेगी कि चीजों को प्लान कैसे करते हैं, चीजों को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं और प्रॉपर सटीकता से टारगेटेड तरीके से काम कैसे करते हैं। ये आपसे सीखने को सभी को मिलेगा।